नेता उसे नमस्ते बोलते हैं, जो बात नहीं बोल रहा था उसे मत बोला करो। बताओ भैया क्या आप पीए हुए फारे नहीं है? नहीं फारे नहीं जीत रहे, इसमें नहीं होमे करेगा रहे। हम कहा थे जब नहीं बोले जाओ तो कहे बोला थे। देखो नेता सारी बात छोड़ो, सबसे पहले मैं अपना भैया बाबू लोगों से परिचय बता देता हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है साथियों, मेरा नाम क्या है दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार है। घर में हमारे भाई भैया जिसका नाम अजय कुमार है, बचपन में हमारे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। बड़े भैया मेहनत तो मजदूरी करके और साथ ही साथ एक मेरा सबसे छोटा भाई जिसका नाम पवन कुमार है, और घर में हमारी भाभी माँ जिसका नाम गीता देवी है। लेकिन बाबू सबसे बड़ी वसीयत की बात यह है, पवन मेरा भाई जो सबसे छोटा है और भाई नहीं है। एक दिन की बात है, मेरे बड़े भैया और मेरे भाभी माँ दुर्गी के मंदिर पर पूजा करने गए थे, और पवन वहीं पर रो रहा था। मेरी भाभी माँ उसे उठाकर अपने घर लाई और उसे पाल पोस कर सयाना कर दिया। आज पवन अपने उसी कानपुर सिटी में पढ़ाई कर रहा है। बाबू मेरी ट्रेनिंग की ऑर्डर आ चुका है, मैं इस वक्त जा रहा हूँ ट्रेनिंग पर। सोच रहा हूँ कि बड़े भैया और भाभी को संदेशा दे दूं ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए कि मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ। चलता हूँ आगे, उसके बाद ट्रेन पकड़ूंगा, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए चला जाऊंगा। चलता हूँ, देखता हूँ आगे होता है। पहले से रास्ता ना साफ कर दे चाहिए भैया, यह रास्ता अगर भाई कुछ होगा हो गया हो तो तोरे ऊपर कैसा हो जाए। अरे तुम इसको नहीं जान रहे हो, तुम इसको नहीं जान रहे, किरण है पागल जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। किरण किरण नहीं किरण, लेकिन किरण बात क्या है, कहाँ पर जा रही हूँ, देख रहा हूँ तो कुर्सी में टक्के गिर जाती तभी तो टूट जाए, हाथ टूट जाए, मेरा दांत पिराने लगे। ऐसा है तो है क्या, आप फलान रखे रहा नहीं देगा, फलान तो खिया देगा वो एकदम बीमार हो जाए। हम जहाँ तो ही आगे नाम किया बोली हो, क्या कहना चाहती हूँ बोलो ना क्या। दोस्ती को तुम इस तरह से बात कर रही हो, हाँ, हाँ, हो गई
कोई बोले तो बोलो। ये हगे हमारे मन्नीलाल खनाई भैया, यह बगली बैठा खड़ा हाँ। ये जो किगरन सभा ये मदारी के पावन धरती चल गया हुए हमारे गुरुजी, ये गुरुजी की तरफ से गया रुपया मान उसका मिला है हमारे पास। ये हरी सागर को अभिनंदन करते हैं, मुलाकात कहना क्या है, हम भी उनसे आशीर्वाद की कामना चाहते हो। शायद आपको मालूम नहीं है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मेरा भाई दिन मेहनत मजदूरी करता है, पसीना ये करता है, भोजन न जाने कैम करता है कि नहीं करता, और मुझे पढ़ा यहाँ ही पढ़ा लिखा कर यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया। और मैं अगर आज ऐसा कर बैठू कहते हो बताओ मेरे बड़े भैया का सपना चोर चोर हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे को समझा रहा हूँ कि आप अपनी रास्ता पकड़ कर चली जाइए और मेरे पीछे छोड़ दीजिए किरण। देखिए यदि अगर तुम मेरी बातों को सुनकर भी सहमत हो तो मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, लेकिन जब मैं आऊंगा घर पर बड़े भैया और भाभी से पूछ कर अगर बड़े भैया और भाभी इजाजत देंगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी सोनी मांग सजा कर और दुल्हन बनाकर तुम्हें अपने घर जरूर ले चलूंगा। मतलब हिम्मत और छपके वाली बात ये इतना बड़ी खुशी तो होता मेरी है, कहना क्या चाहती हो बोलो। कौन मैं क्यों करवाऊंगा, बोलो क्या बोला चाहती हो। Thank you.
लाख रुपये देता है, ऐसे मांगे से हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत और मनन करती है। भैया बाबू है ना जाने भोले है कि हूँ तो हाँ नाम का बा कि करे घरे के करानी यहाँ की जवाब यहाँ पर है बता दिया। तो देखो साथियों मेरा नाम काजल है, मेरा नाम काजल है, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी घर में मेरी तो तेरी माँ है जिनका नाम छबीली है और मेरे पिताजी हैं जिनका नाम रंजीत सिंह है, एक मेरी बुआ है जिनका नाम किरण है। लेकिन भैया क्या बताऊँ, एक मैं पवन नाम की लड़की से बहुत प्यार करती हूँ। Oh,
और भैया तो हर छह बच्चा ठीक बात है, छह बच्चा है घर के बारह बच्चा सब अच्छा है। और सब अच्छा है भैया? बढ़िया। और बताओ भैया तू कैसे चल रहा है? बोले मेरी बात सुन बोला था। मैं तुम्हें कहा लिया कि चुनाव जानते हैं कहा लिया तुम्हारी होने वाली भाभी से मिले यानी कि हमारे भूजी से मिले कोहली से भाभी भौजी नेता देखा भैया कौन पेड़े तो झर उड़ रहा था कहा यार पेड़े के झर। हाँ यार यार पागल वही तो है ये काजल तुम्हारी होने वाली बात बुलाओ यही काजल है। हाँ बुलाओ बुलाए। हाँ बुलाओ I'm